कि इसके बाद हमारे साथ बिल्कुल फिर भी बहुत साथ जुड़ेंगे, लेकिन लेकिन अभी अभी जो समय चूंकि कम है और इसी आज सड़क जो है विज्ञान के रास्ते से चल रहा है। और मैं आपको बात बता दूं, जो लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं या तो विज्ञान के लोग हैं या विज्ञान का एटीट्यूड है उनका। मैं एक बात बता दूं, आप लोग समझते हैं कि मोदी जी और उनके मंत्री सारंगी जी भी बैठे हैं, सरकार को चला रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बेस है वो, असल तो लोग चला रहे हैं सरकार को, साइंस से जुड़े हुए लोग हैं। दो तीन नाम लेके बात को खत्म करूंगा। इसमें देखिए आरएसएस के बहुत बड़े बड़े जो सेवक हैं, जैसे इंद्रेश कुमार जी हैं, वो इंजीनियर रह चुके हैं, मुसलमानों से बड़ा जुड़ाव है। मधु सिंह जी बीएमआर 9 से अंगवस्त्र प्रसारण करना चाहिए। मनमता मंच पे आएंगे, मनमता और योगी जी भी साथ में मंच पे आएंगे। पहुंचना है तो हम बताएंगे आप ऐसी बस आवाज के लिए डीके कुलदीप जी ब्रह्मकुमारी से हैं, सोशलिस्ट हैं, समाज सेवक हैं। डीके कुलदीप साहब वस्त्र पहनाकर माननीय मंत्री जी के सवाल के साथ ही सुरेश बेरी सर डॉक्टर वरेन बाबू मैडम मैडम और अपने अवार्ड लेके जिन्हें अवार्ड मिला है वो पता ही नहीं है, वो बैठेंगे क्योंकि वो तब तक यहाँ बैठेंगे डॉक्टर साहब जब तक दूसरों को अवार्ड मिल रहा है, ऐसा आपने कहा जाता है। क्योंकि हमें पूछना के लिए हिंदुस्तान ऐसा अवार्ड ले दिया अवार्ड देने में जो मजा है वो लेने में नहीं है। बिल्कुल साहब, लेकिन अवार्ड लेते ही हम लोग बड़ी स्पीड में है। आपको बताऊं कि आप दिल्ली से मधु सिंह जी उनकी टीम अवार्ड देने आई है, तो आप ज्यादा भी नहीं तो एक जोरदार स्माइल के साथ बैठे रह सकते हैं, आपका सम्मान है। चलिए इसी कड़ी में अगला नाम पीछे इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे। अब कार्तिक सिंह के लिए जाता है अवार्ड। अच्छा बख्त साहब, मैंने एक बात देखी है कि बहुत से लोगों को जिन्हें शेर व शायरी समझ में नहीं आती, लेकिन इतनी मीठी होती है कि वैसे सुनने को दिल करता है। समझ में ना भी आया तो अभी उनको भी सुनने को मिले, किसी भी भाषा में हो, गाने हो, शेर शायरी सब में दौड़ते हैं। वो तो अभी मंत्री जी ने कहा ना कि भाव समझ में आते हैं, जबान का क्या करना है। कबीरदास ये कहता है कि दो चार बार हम जो हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो हंस हंसा लिए सारे जहाने घूम जाती है। बस साहब है, तलवीर कौर जी है, डॉक्टर दत्ता का सम्मान करते हुए वही मधु सिंह जी खुशी है। गांवों की आंच पर लोगों की दूसरे पल होते हैं जिन पलों में आप अपनों के संग होते हैं, और ये सम्मान जीवन की सबसे बड़ी चीज है। इससे बात सारंगी गारी द्वारा अचीवमेंट अवार्ड తీసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎన్నో విజయాలు సాధించిన ఈరోజు అందరినీ ఈరోజు ఎంతో మందిని సత్కరించారు। సో ఈ కార్యక్రమంలో నేను కూడా ఒక భాగమైన సంతోషంగా ఉంది। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాట చెప్తాను, ఎలా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు అవార్డు వచ్చినందుకు? చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రతిని గుర్తించి గౌరవించడం అనేది చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా పిలిచి నాకు కూడా ఒక స్థానం కల్పించినప్పుడు ఈ గౌరవం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ సభ్యులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను। సో ఈ అవార్డుల ద్వారా నా బాధ్యత మరింత పెరిగింది, సమాజం పట్ల ఇంకా మరింత బాధ్యతగా ఉండడానికి
And I received an award from EMR 9 event and the recognition of great achievements in digital marketing and giving best services in the digital marketing. And I came to know about EMR, and it's a very amazing event platform and encouraging so many entrepreneurs throughout the world. Especially, I'm very happy and very proud moment for me to receiving this award in the presence of Honorable Minister. Thank you so much. How are your feelings, sir? This, you have got national international achievement awards. How was your feelings? Yes, really, it's an amazing moment for me. And I'll keep rocking. I'll take this as a big achievement, and I'll keep rocking and giving digital marketing services to many clients. Next, what's your achievement, sir? I mean, how is feeling? You want to, your responsibilities, it's a big achievers award. Yes. So, you, next, what's your programs of what? By presenting, like I'm by receiving this event in this MSCB event, so I would like to do service for who is like who exactly want for digital marketing, and I want to promote who exactly in the need of digital marketing activities. Thank you, sir. My name is Manish Nath, and today I have been kind of receiving this International Achievers Award over here, where Mr. Sarangi ji was over here, and it was a spectacular event, and I'm extremely pleased that they have finally honored my, they have finally kind of understood the kind of work which I was doing over here for the last 10 years in India. Earlier I was in US for almost a decade, and for the last 10 years I'm trying to bring the Wall Street investors into and asking them to invest into Indian companies. And we had great success so far, and we have shown some decent performance, and down the line also we feel that we can show similar kind of returns to our investors. And India is a great spot, and India is going to be like the number one economy by the end of the century, and it has a very bright future. And my work is in the field of investment, where I find good companies to where to invest, and I guide investors globally. So that's in a nutshell. How is your feeling, sir? Today you have got the award. It is very humbling that like the government of India has finally kind of recognized the kind of work which I have been doing. I am world ranked one for the last 5 years, but now it is coming in the limelight, so which is good, and it is a good teamwork from our side also. Many of my colleagues are there in the US, and we have been able to kind of provide good returns to our investors. So, thank you, sir. Thank you. Thank you so much for covering our event. और आप हमारे event में हमने ये internationally achievers को award दिया है. VMR 9 events जो है वो पूरे देश भर से कहिए या फिर world wide हमने awardees को select किया है. इसमें more than हमारे पास 500 registrations हुए, जिसमें से हमने 25 awardees को select करके award किया. और इस अवार्ड को हमारे चीफ गेस्ट प्रताप सारंगी सर की वजह से और हमारे अवार्डीज को सराहना मिली, तक उनको और आगे अच्छा करने का मौका मिला. और इसी तरह बीच में हमारे साथ में दलबीर कौर जी हैं और फिरोज बख्त अहमद जी हमारे बीच में इस फंक्शन में हैं. और ये अवार्ड हम लोग पहला हमारा VMR 9 का अवार्ड है, लेकिन आगे चल के हम और बेस्ट और इससे अच्छे अवार्ड करेंगे. आप टोटल कितने लोग को दिए मैडम आज अवार्ड? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इसमें 500 हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए थे अवार्ड के लिए, बट हमने इसमें से 25 अवार्डीज को सेलेक्ट करके उनको अवार्ड दिया है अलग अलग फील्ड में. ठीक है, थैंक यू मैडम.